खबर उज्जैन से है, जहां शहर में आए दिन हो रही ठगी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार के दिन दहाड़े बदमाशों ने बाजार में सब्जी लेने गई वृद्धा को अपना निशाना बनाया और 2 तोले की सोने की चूड़ी ले उड़े। फ्रीगंज सब्जी मंडी में 2 ठगों ने सोने की चूड़ी खरीदने के बहाने से वृद्धा को बातों में उलझा कर वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस CCTV के आधार पर पूछताछ कर रही है। वेदनगर मंगलम अपार्टमेंट में रहने वाली 70 वर्षीय महिला दमयंती पति रामेश चंद्र दुबे से फ्रीगंज की सब्जी मार्केट के पास 2 युवकों ने बहला फुसला कर हाथ से 2 तोला सोने की चूड़ी उतार ली और भाग निकले। महिला ने बताया कि घटना सोमवार लगभग 1:30 बजे की है। वह अपने घर के वेदनगर से मैजिक में बैठकर फ्रीगंज सब्जी खरीदने आई थी। तभी सब्जी मार्केट के पास ही फूलमाला बेचने वाले की गली में 2 युवक आए और गुजरात जाने का किराया मांगने लगे। युवकों ने महिला को रुमाल में बंधे हुए रुपयों की गड्डी भी दिखाई और बातों में उलझा कर उनके 2 तोला सोने की चूड़ियां उतार ली। दोनों बदमाश कुछ ही देर में आने का बोलकर वहां से निकल गए। महिला जब तक कुछ समझ पाती उसके पहले बदमाश अपना काम बना चुके थे। ठगाई महिला ने माधव नगर थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज चेक कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। मैं सब्जी का थैला लेके उधर से आ रही थी तो 2 लड़के मेरे को मिले कि मेरे को किराया चाहिए, किराए के पैसे चाहिए। तो वो किराए के पैसे के चक्कर में फिलहाल मैं आगे तक लेके आया। फिर इसके बाद नोट बताए ने, फिर इसके बाद कहे बिहार में चाय पी के आता हूँ तो कह के मेरे को सबूत के तौर पे ये के नाम है जो कुछ सोना कुछ दे दो पैसा दे थैला दे दो। ये अभी 500 की नोट थे उसके पास थोड़े बहुत और वो गुजरात जाने का 2 तोले की थी। हाँ, फ्रीगंज में 2 लड़के थे जो एक बुजुर्ग महिला को बोले कि हमको चूड़ी खरीदना है। तो बुजुर्ग महिला ने कुछ लालच में आके उसको 2 चूड़ियाँ दे दी थी और वो बिना पैसे दिए चूड़ी लेके चले गए हैं। इसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और आवेदन दिया जा रहा है।